अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जुहैब अहमद है। 10th क्लास के पेपर करीब हैं और इससे इसके मुतलिक पेपरों के मुतलिक बच्चों को परेशानी रहती है। पेपर स्कीम एक ऐसी क्वालिटी चीज़ है जिससे पेपर बच्चों को पेपरों के मुतलिक तैयारी करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। अब पेपर स्कीम का ये होता है कि पिछले 5 से 10 सालों को मद्देनजर रखते हुए उसको बनाया जाता है। अब ये पेपर में तकरीबन 90% इसी स्कीम को फॉलो किया जाता है। इससे आपको पेपर को अटेम्प्ट करने में और पेपर की प्रिपरेशन में बहुत ज्यादा आसानी हो जाती है। तो आज मैं आपको 10th क्लास की केमिस्ट्री की पेपर प्रिपेयरिंग स्कीम आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो वीडियो को अच्छी तरीके से देखिएगा ताकि आप इसके मुताबिक अपने आप को प्रिपेयर कर सकें। 10th केमिस्ट्री, आपको पता है केमिस्ट्री का टोटल हमारा 60 मार्क्स का पेपर होता है। आपने इस स्कीम को बड़े ध्यान से देखना और ये बहुत ज्यादा मोहतात अंदाज से बनाई गई है और पेपर के स्कीम को पेपर की पैटर्न को मद्देनजर रखते हुए आपके सामने ये डिस्कस की जा रही है। टोटल आपको 12 एमसीक्यूज पेपर में आएंगे। क्वेश्चन नंबर आपका एमसीक्यूज का होगा, जिसमें चैप्टर नंबर 9 से आपको 1 एमसीक्यूज, चैप्टर नंबर 10 से 2, 11 से 1, 12, 13, 11, 12, 13 से 1, 1, चैप्टर नंबर 14 से 2, 15 और 16 से भी 2 एमसीक्यूज आएंगे। तो इन सबको अगर हम समअप करो टोटल हमारे 12 नंबर के ये एमसीक्यूज हैं जिनको हमने अटेम्प्ट करना है और ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इन 12 में से 12 को गेन करना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 जो कि शॉर्ट क्वेश्चंस का आपके सामने होता है, शॉर्ट क्वेश्चंस का ये क्वेश्चन नंबर 2 जो होगा आपके सामने चैप्टर नंबर 9, 11 और 12 से बनेगा। 9 से कोई से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, 11 से 4 आएंगे और 12 से आपको 2 आएंगे, यानी टोटल आपको 8 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे जिसमें से आपने 5 अटेम्प्ट करने होंगे। ठीक है, यानी कि 16 नंबर का ये पोर्शन आपको आएगा, सॉरी 10 नंबर का, 16 का टोटल आएगा जिसमें से आपने 10 नंबर का अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 3 ये भी शॉर्ट क्वेश्चन का होगा, इसमें से आपको चैप्टर नंबर 10, 13 और 15 से बनेगा। 10 से टोटल 3, 13 से 2 और 15 से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आपको आएंगे। इसमें भी टोटल आपको 8 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे जिसमें से आपने 5 अटेम्प्ट करना होंगे, ये भी 10 नंबर के लिए आपको आएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 जो कि आपको 14 और 16 से आएगा, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन का होगा। इसमें से 14 से आपको 4 शॉर्ट क्वेश्चंस और 16 से भी आपको 4 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, यानी टोटल आपको 8 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे जिसमें से आपने 5 अटेम्प्ट करना होंगे। तो ये कितने बन जाएंगे हमारे पास, 10 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन ये बन जाएंगे। तो 10, 20, 30, 30 नंबर ये होगा हमारे, 30 में से 30 लेना आपके लिए आसान हो जाएगा अगर आप इस पैटर्न को फॉलो करेंगे। उसके बाद मूव करते हैं क्या नाम, लॉन्ग क्वेश्चन के ऊपर। जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन का है और लॉन्ग क्वेश्चन के दो पार्ट आएंगे, ए और बी, चार चार नंबर का होता है तो उसको आपने अटेम्प्ट करना होता है। ये आपका जो क्वेश्चन का 5 ए है ये चैप्टर नंबर 9 से और बी चैप्टर नंबर 15 से आपका बनेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये आपका ए पार्ट जो 10 से चैप्टर नंबर और बी पार्ट जो 13 से बनेगा। और क्वेश्चन 7 जो है ये भी लॉन्ग क्वेश्चन का है, ये आपका इसका ए पार्ट चैप्टर 12 से और बी पार्ट चैप्टर 16 से बनेगा, यानी कि टोटल आपके सामने 3 लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे। अगर आप ए और बी अटेम्प्ट करते तो ये एक लॉन्ग क्वेश्चन कंसीडर होगा, टोटल आपको ये 3 लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे पेपर में जिसमें से आपने 2 लॉन्ग क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होगा। तो ये आपके सामने पेपर स्कीम है, तो इस स्कीम को आप मद्देनजर रखते हुए आप अपने पेपर की तैयारी कीजिएगा। उम्मीद करता हूं आपको ये पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।